हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो डेट है वो 20 अक्टूबर तक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो कोर्स एनरोल किया है, आप उसके बाद आप उसको एनरोलमेंट जो है कर सकते हैं और आप उसको बाद में शुरू कर सकते हैं कोर्स को। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन नहीं होने का कारण, एक मेजर कारण ये है कि आयु सिस्टम ने इसका जो लॉगिन पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह लॉगिन पैटर्न है, और साथ में यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं, तो उन सारी बातों की जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप इस BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत काम का वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने ये आयुष ग्रेड निकाला है, जिसमें उन्होंने आयुष का जो बच्चों का लॉगिन सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो क्या है वो लॉगिन सिस्टम, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसके होम पेज पर जाएंगे, आपको होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे ऊपर की ओर साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टूडेंट थे तो आप स्टूडेंट जो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन है उसको हम देखते हैं। तो लिखा है कि वी हैव चेंज द लॉगिन सिस्टम फ्रॉम OTP टू पासवर्ड बेस्ड लॉगिन। तो इसमें क्या करा, पहले क्या होता था, जब आप लोग लॉगिन करते थे तो पहले आपको एक लॉगिन सिस्टम के लिए आपको OTP की ज़रूरत पड़ती थी। अब कभी कभी क्या होता था कि लोगों की बड़ी शिकायत आती थी कि सर, हमारा टाइम निकल गया है, सर्वर टाइम निकल गया है, फिर OTP बाद में आ रही है, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी झंझट था इसमें। कई लोगों ने हेल्प डेस्क पर जाकर के NCISM को कंप्लेंट करी कि सर, हमारा OTP ही नहीं आ रहा, तो हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने क्या करा है कि इस सिस्टम को ही चेंज कर दिया गया है। अब इन्होंने क्या कर दिया, पासवर्ड बेस्ड सिस्टम कर दिया है। तो पासवर्ड बेस्ड सिस्टम यहाँ पे इन्होंने करा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको बार बार OTP के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि OTP के लिए वेट करते जाते, जब उसका OTP का टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो आती है, तो फिर OTP किसी टाइम का मतलब होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसको पासवर्ड सिस्टम बेस्ड कर दिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या लिखा है, टू असेस योर अकाउंट यू विल नाउ नीड टू यूज़ योर ईमेल ID एज अ डिफॉल्ट पासवर्ड दैट has been already forward to your institute for your account। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, to assess your account। यदि आपको जो आपका account है, यदि आप इसको assess कर रहे हैं, जब चला रहे हैं, you will now need to use your email ID। इसमें क्या करना है, आपको अपनी email ID use करना है and a default password that has been already forwarded to your institute for your account। और जो आयुष ग्रेड है उसने एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपके इंस्टीट्यूट को भेज दिया है। ठीक है, सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि जो पासवर्ड है, आप जो आपकी आईडी रहेगी वो आपकी ईमेल आईडी रहेगी, और उसके लिए उन्होंने पासवर्ड दे दिया है आपके कॉलेज को। ठीक है, क्या करना है आपको, वो आपके कॉलेज से वो पासवर्ड आपको लेना है। क्या है उसके बाद, आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिंग इन विद द डिफॉल्ट पासवर्ड यू विल बी कंप्रोमेटेड टू चेंज योर पासवर्ड टू अ मोर सिक्योर वन। जैसे ही आप अपने इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से वो पासवर्ड ले लेंगे, फिर जब आप लॉगिन करेंगे तब आपके पास ये चांस रहेगा कि आप उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को अपने हिसाब से चेंज कर सकें। मतलब जो आप पासवर्ड याद रखना चाहते हैं, जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी इशू विथ योर डिफॉल्ट पासवर्ड प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर इंस्टीट्यूट एंड दे विल असिस्ट इट। ठीक है, यदि आपको कोई डिफॉल्ट पासवर्ड जो आपको दिया है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इंस्टीट्यूट पे जाकर जाना है। ठीक है, वो लोग आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी, यहाँ पे आप अपना जो डिफॉल्ट पासवर्ड है जो आपका NCISM से आया है उसको यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद कैप्चा मेरा डाल करके आप यहाँ पे इसको साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा इन्होंने दे रखा है कि जो पहले OTP का सिस्टम था, OTP नहीं आती थी, काफ़ी लोगों की बड़े परेशान होते थे कि सर, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो सीधा सीधा उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पासवर्ड बेस्ड सिस्टम कर दिया गया है। तो उसमें आपको सबसे पहले एक पासवर्ड आपके कॉलेज में आएगा, वो कॉलेज पासवर्ड आपको देगा, उसके बाद आप उससे लॉगिन करिए। उसके बाद वहाँ एक ऑप्शन रहेगा कि आपको वहाँ पे पासवर्ड को चेंज करना है,
तो वो बात हम पासवर्ड को चेंज करना है तो आप जैसे ही पासवर्ड को अपने हिसाब से चेंज करेंगे फिर आप उसे याद रखिए। नहीं तो क्या होता है कि पासवर्ड कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने क्या बनाया था, फिर हम क्या करें। तो आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो OTP वाला सिस्टम है, पासवर्ड वाला सिस्टम है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक पर फॉरवर्ड पासवर्ड की वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपसे फिर यहाँ पे ये आपकी कैटेगरी पूछेगा, तो जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम और आपको अपने यहाँ पे email ID डालनी होगी। इसको डालने के बाद आप यहाँ पे इसे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आपसे ये न्यू पासवर्ड मांगेगा, उसका कंफर्मेशन मांगेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले अपना जो नया पासवर्ड उसे डाल दीजिए, कैप्चा जो एंटर है उसको यहाँ पे डाल दीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा और आपको आगे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आई होप आपको यहाँ पे जो पासवर्ड सिस्टम की जानकारी दी है और कैसे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं उसके बारे में जो जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ऐसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।